छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने आपकी संपत्ति वापस आपके जेब में डाली है, तो मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि ऐसी स्कीमें बनी हैं जिससे आपके गांव मजबूत हुए हैं, जिससे आपको ग्रामीण रोजगार मिला है, जिससे आपके किसान मजबूत हुए हैं, जिससे मेरी बहनें मजबूत बनी हैं कि गर्व से खड़ी होकर कह सकती हैं मैं 1 लाख रुपए कमाती हूं गोठान में काम करके, कि मेरा स्वयं सेवा समूह 6 लाख रुपए कमाता है, गर्व से खड़ी होती हैं। आज छत्तीसगढ़ को पूरा देश देखता है, दुनिया भर के जितने भी आदिवासी लोग हैं वो छत्तीसगढ़ की ओर देखते हैं। आज बस्तर का नाम हिंसा से नहीं जुड़ा, आज बस्तर का नाम मिलेट से जुड़ गया है, रागी से जुड़ गया है। ये रागी दुनिया की बड़ी बड़ी दुकानों में बिक रही है, मेरे घर में मैं खाती हूं आपकी उगाई हुई रागी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बस्तर में समस्या थी, सरकार ने कहा हम इसको सशक्त बनाएंगे, बस्तर के लोगों को सशक्त बनाएंगे, सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग का प्लांट लगा दिया। आज जो आपकी उपज है मिलेट कोदा ये सब दुनिया भर में बिक रही है, अच्छी पैकेजिंग हो रही है, अच्छी मार्केटिंग हो रही है, देश भर से नौजवान आपकी तरफ देखता है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कम है। आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं उनका मानदेय बढ़ाया, दाई दीदी क्लिनिक शुरू कराई, सरकारी कॉलेज में लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा दिलवाई, स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, बेटियों की शादी के लिए पैसे दिए। ये किसके पैसे हैं जो आपको मिल रहे हैं? आपके पैसे हैं, ये आपका हक है, आपका अधिकार है, इसलिए कांग्रेस आपके हक और आपके अधिकार को पहचान के ये पैसे आपको लौटा रही है। समझिए इस बात को कि जितना काम आपके लिए यहां हुआ है, सबसे पहले तो आपने हम सबको इस काबिल बनाया क्योंकि आपने हमारी सरकार चुनी, आपने कांग्रेस को अपना वोट दिया। कांग्रेस की सही विचारधारा है आपको मजबूत बनाने की, आपको रोजगार दिलवाने की, आपको बढ़ती हुई महंगाई से बचाने की, इसीलिए आपके लिए काम हुआ। बाकी प्रदेशों में लोग जूझ रहे हैं महंगाई से, दिवाली आने वाली है, लोग बनाना चाहते हैं, घर में मेहमान आएंगे, मेहमानों के लिए खाना पकाना पड़ेगा, मेहमानों को अच्छा घर साफ सुथरा बनाकर दिखाना पड़ेगा, लिपाई पुताई करनी पड़ेगी, धनतेरस पे कुछ खरीदना पड़ेगा। आज देश भर में ये समस्या बन गई है, त्योहार नहीं, ये समस्या बन गई है कि अरे दिवाली आ रही है हम क्या करेंगे, महंगाई इतनी है हम कैसे दुकान कैसे जाएंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, ये समस्या बन गई है। क्योंकि केंद्र की सरकार ने महंगाई को बढ़ने इस कदर बढ़ने दिया है और कुछ किया नहीं है उसको रोकने के लिए। और ये ऐसे हैं कि जब चुनाव आता है तो घोषणा करते हैं कि सिलेंडर कम का मिलेगा। क्यों भाई, 5 सालों से क्या महंगाई नहीं थी? 1200 का सिलेंडर मिल रहा है अन्य प्रदेशों में, यहां पे भी मिल रहा था 1200 का। अब चुनाव आ रहे हैं तो सब जगह घोषणा कर रहे हैं कि भाई 400 में ले लो, 500 में ले लो। क्यों भाई, 1200 में कौन दे रहा था? कोई और भी दे रहा था, तुम ही तो दे रहे थे 1200 में, तुम ही ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है कह रहे हो कि महिलाओं के लिए हम पैसे डालेंगे हर महीने। कमाल है, बेवकूफ समझ रखा है जनता को। तो भैया इनको दिखा दो कि कितना विवेक होता है जनता में, इनको दिखा दो कि कितनी शक्ति होती है जनता में, इनको दिखा दो कि कितने समझदार हो।
आपके सामने किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए खोखली घोषणाएं करने के लिए। आपने हमेशा सही निर्णय लिया है। आज मैं यहां आती हूं, सब कहते हैं इंदिरा गांधी आ गई, कहते हैं। मैं इंदिरा गांधी नहीं हूं, इंदिरा गांधी नहीं हूं। इंदिरा गांधी जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, दिन रात एक की आपको आगे बढ़ाने के लिए। इंदिरा गांधी जी वो शख्सियत थी जो आपके सामने अगर आकर कुछ कहती थी तो करके दिखाती थी। इसीलिए उनकी मृत्यु की के 30 साल से ज्यादा, शायद 40 साल गुजरने वाले हैं, लेकिन आज भी आप उनको याद करते हैं, क्योंकि आपके दिलों में उनके लिए श्रद्धा है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा थी। वही श्रद्धा उन्होंने हमें दी, आपके लिए अपने दिलों में। वही श्रद्धा कांग्रेस के नेताओं के दिलों में होनी चाहिए। अगर आप सोच समझ के, पूरे विवेक से, गहराई से, सब कुछ देख के, अपने ही अनुभव से अपना वोट डालें ना, तो आप गलती नहीं करेंगे, तो आप अपने भविष्य को मजबूत ही बनाएंगे। आप देखिए इन्होंने काम क्या किया, तब आप गलती नहीं कर सकते। अगर आपके मन में इंदिरा गांधी के लिए श्रद्धा है तो उसकी वजह है। अगर आप भूपेश बघेल जी में भरोसा करते हैं तो उसकी वजह है। अगर आप राहुल गांधी में भरोसा करते हैं तो उसकी वजह है। ये इंसान 4000 किलोमीटर चला है, ये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चला है, सिर्फ आपको ये कहने के लिए कि भाइयों और बहनों, इस देश की राजनीति को भटकने मत दो, इस देश की एकता को टूटने मत दो, भारत जोड़ो यात्रा करता है। ये कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये आपका देश है, ये आपका प्रदेश है, इसकी हिफाजत आपके हाथों में है, अपनी जिम्मेदारी को समझो, आंख मूंद के अपना वोट कभी मत दो। सिर्फ ये कहने के लिए कि ऐसी राजनीति को मजबूत करो जो आपकी तरक्की लाए, जो आपकी संपत्ति आपके हाथों में दे, जो आपके लिए दिन रात काम करे, जो आपको ही सर्वोपरि बना के रखे। इसीलिए आज मैं आपसे वोट नहीं मांग रही हूं, मैं जागरूकता मांग रही हूं, मैं आपका विवेक मांग रही हूं, और मैं ये मांग रही हूं कि सच्चाई को समझो। आज जहां आपका प्रदेश खड़ा है, इसे नहीं समझोगे तो फिर से खाई में डाल दोगे इसे, फिर से छत्तीसगढ़ सिर्फ हिंसा और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन आज वो मौका है कि 5 साल आगे हैं तुम्हारे, 5 सालों में बच्चों का भविष्य मजबूत बनाओ, बहनों का भविष्य मजबूत बनाओ, किसान को खुशहाल रखो, नौजवानों को रोजगार दिलवाओ, और अपने प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाते चले जाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों में दिवाली है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खुशी से मनाना इस पर्व को और खूब खुश रहना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।